मैं तो कहता हूं मूवी थिएटर बंद होने चाहिए, फिल्में बंद होनी चाहिए। मैं फिल्में बनाने वालों से, डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो भी है, उनसे पूछता हूं तुम भारत के इतिहास से खिलवाड़ क्यों करते हो? तुम सनातन धर्म, तुम खाते भी भारत का हो, तुम जिंदा भी भारत के अन्न पर हो, तुम इसी धरती की औलाद हो, फिर इसी धरती के अगेंस्ट साजिश क्यों करते हो? बनाकर दिखाओ फिल्म टीपू सुल्तान पर, बनाओ, बना के दिखाओगे? बना के दिखाओगे किस तरीके से मंदिर तोड़े गए थे भारत में? नहीं दिखा सकते, तुम में इतनी हिम्मत नहीं, तुम्हारा सीना तुम्हारे घर के अंदर चीड़ दिया जाएगा। अच्छा, हिम्मत है उन लोगों में? बोलो हां या ना, हिम्मत है बनाने की? ये सब क्या ये भारत में नहीं हुआ था? राम मंदिर इसका गवाह नहीं है? कृष्ण मंदिर इसका गवाह नहीं है? काशी विश्वनाथ इसकी गवाह नहीं है? ये यहां आप ही के यहां पर जो पटेल साहब ने मंदिर बनवाया था, सोमनाथ मंदिर, इसका गवाह नहीं है? मैं आई एम नॉट अगेंस्ट एनीबॉडी, किसी के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन सच यह है जो इस देश के संस्कारों के अगेंस्ट है, ऐसी फिल्में इस देश में नहीं बननी चाहिए, और बन जाए तो चाहे 200 करोड़ का नुकसान हो जाए उनका, हमें ऐसी फिल्म रिलीज नहीं होनी देनी चाहिए। ये तो फिल्म बनाने से पहले एक एक जन पता है ये लोग क्या बोलते हैं, ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म है। फ्रीडम स्पीच है, फ्रीडम ऑफ शो ऑफ नहीं है। यहां जिस समाज में रहते हो समाज का रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, जिस देश में रहते हो उस देश का रिस्पेक्ट करना चाहिए, हां या ना? जोर से बोलो। तो फिल्मों में दिखाया जाता है कि शिव जी पे दूध मत चढ़ाओ, मंदिर में मत जाओ, मंदिरों में जाने से भगवान नहीं मिलता, ये हमारी फिल्मों में क्यों दिखाया जाता है? क्यों नहीं दिखाया जाता मस्जिदों में मत जाओ? क्यों नहीं दिखाया जाता गुरुद्वारों में मत जाओ? क्यों नहीं दिखाया जाता चर्चों में मत जाओ? करके दिखाओ, हिम्मत है तो। उन्हें पता है नहीं, उन्हें पता है किसी साजिश के तहत ऐसा होता है। आप सबको चाहिए और साजिश को दरकिनार करते हुए अपने बच्चों को अपना संस्कार दीजिए। हर मां दे, हर पिता दे, हर टीचर दे। जब टीचर ईमानदारी से अपना काम करे, मां ईमानदारी से अपना काम करे, जब पिता ईमानदारी से अपना काम करे, तो फिर शायद इस समाज में हम जैसों की जरूरत नहीं रहेगी।